उसके बाद मतलब देख रहे हो इतनी बार नॉक करने के बाद ये बंदे रिवाइव पे रिवाइव हुए जा रहे हैं। तो इस बार एक और बार दिखता है ये बंदा और फिर देखो। आ गया मैं। तो मेरे भाई लोग कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका पबजी मोबाइल लाइट गेम, लाइट नहीं यार पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। तो यार इस मैच में मतलब गलत सीन दबा के होने वाला है, तुम्हारा भाई दबा के M24 चलाने वाला है, मतलब यार स्नाइपिंग दबा के देखने मिलने वाली है आपको इस मैच में। और भैया इस मैच में मतलब ऐसे ढीठ बंदे मिलते हैं जिनको मैं नॉक पे नॉक हेडशॉट पे हेडशॉट देते रहता हूँ, लेकिन भैया वो दोनों ठिलने का नाम ही नहीं लेते। मैं क्या कहना चाहता हूँ आगे देखो आप। फिलहाल हम लोग आते हैं इस पार्क पे। तो भैया इस मैच में मैंने आपको बताया M24 दबा के चलाने वाले हैं, लेकिन मैच में भैया M24 चलाएंगे लेकिन शुरुआत भी क्यों ना उसी से कर लिया जाए। हाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ देखो आप। फॉर्म अप ऑन मी। मजा नहीं आ रहा है। एक और टाइम म्यूजिक। कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। तो भैया यहाँ पे उतरते ही मैं गन की तलाश में भागता हूँ और गन की तलाश में भैया सामने गन दिखती भी है, टॉमी पड़ी हुई थी, लेकिन भैया सामने से बंदा आता है और टॉमी उठा लेता है। मैंने बोला बस खत्म, गेम यहीं पे खत्म होने वाला है, लेकिन वो डब्बा खोलता हूँ और वहाँ पे मुझे मेरे हाथ में लग जाती है M24। तो मैंने बोला क्यों ना शुरुआत इसी से कर लिया जाए। तो मैं M24 चलाता हूँ और एक बंदे को हेडशॉट से नॉक कर दिया, मतलब भैया शुरुआत हो गई हेडशॉट से, मतलब इससे मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब यार इस चीज़ के लिए लाइक नहीं किया तो लाइक ठोक दो। तो यहाँ पे हमारे भाई से हमें उजी भी मिल चुकी है। तो भैया अब मैं सामने बंदों के पास जाता हूँ। अब देखो पहले इसको एक M24 का बॉडी शॉट दिया, उसके बाद मतलब मैंने उजी से इसको नॉक कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं इसकी पेटी डालने आगे जा ही रहा होता हूँ कि भैया हमारे विशाल भैया दूसरे विशाल भैया है, लेकिन गलत सीन होते ही है भाई वहाँ पे नॉक हो गए, तो भाई को अब रिवाइव देना पड़ेगा। तो अब हमारे भाई को रिवाइव करने के बाद मैं सीधा अपना ये गोला फेंकता हूँ, भैया ये सस्ता वाला हैक फेंकता हूँ और उसके बाद सीधा जाता हूँ बंदों की तलाश में। लेकिन सामने एक बंदा दिखता है जो कि TPP ले रहा होता है, तो भैया इसकी मतलब हेडशॉट से सीधा पेटी बनाई। अब बारी है उन बंदों की जिसको मैंने मतलब पहले ही नॉक किया था, और देखो ये दोनों कहाँ चढ़ बैठे हैं। तो इन दोनों बंदों ने मतलब शील्ड वगैरह बना रखा था और भैया सामने की ओर मतलब चढ़ के दोनों बैठे हुए थे। तो पहले बंदे को M24 से नॉक किया और दूसरे की मतलब उजी से पेटी बना दी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे चढ़ने का ट्राई कर रहा होता हूँ कि यहाँ से चढ़े कहाँ पे, क्योंकि भैया लूट की कमी है हमारे पास। और हमारे भाई की XP देखो, मतलब एक गोली में भैया का खेल खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे भी मतलब मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 गोली का हूँ। तो हेल्थ वगैरह लूटने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ने का ट्राई करता हूँ, मैं चढ़ नहीं पाता, लेकिन बाद में यहाँ पे ये बॉक्सेस पे मतलब 2-3 बार फेल होने के बाद मुझे फाइनली पता चल जाता है कि भैया ऊपर चढ़ना कैसे है। तो देखो यहाँ पे मैं गोला फेंकता हूँ और बंदा स्पॉट हो जाता है। तो मैंने बोला भैया हेल्थ वगैरह बाद में उठाएंगे, पहले ही मतलब इसकी पेटी बना ली जाए। तो मतलब इसकी पेटी बनाने मतलब मैं सोचता हूँ M24 से बनाएंगे, लेकिन देखो
तो हाँ यहाँ पे मैं इसकी पेटी बनाने जा ही रहा था, लेकिन हमारे विशाल भैया यहाँ पे इसकी पेटी बना देते हैं। तो भैया कोई बात नहीं, इसकी पेटी के बाद हम लोग लूटते वगैरह है और उसके बाद मतलब बंदों की तलाश में निकलेंगे और क्या करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मतलब 3 ही किल मिली, बंदे आते हैं लेकिन हमारे विशाल भैया मतलब किल चाट लेते हैं पूरी। और उसके बाद मैं यहाँ पे चढ़ता हूँ और यहाँ पे भैया जो ये दोनों बंदों को ढिलाया था उनकी पेटियाँ लूटता हूँ। और मतलब देख रहे हो इस मैच की शुरुआत ही M24 वो भी हेडशॉट के साथ हो गई। तो मतलब अब यहाँ पे मैंने सोचा M24 के साथ शुरुआत हो ही गई तो क्यों ना इस मैच में मतलब M24 चला लिया जाए। और मतलब M24 मतलब चलती है खतरनाक, लेकिन यार दो बंदे ऐसे मिलते हैं मतलब अभी की बता रहा हूँ, मैं अभी बता दूंगा तो मतलब यार आप वीडियो देखोगे नहीं। तो हाँ यार इस वीडियो को मतलब शुरू से लेकर एंड तक देखना। और यार मैंने सोचा हम लोग एंडिंग मतलब यार शादीशुदी एंडिंग करते हैं तो क्यों ना एंडिंग को थोड़ी खतरनाक बनाया जाए। तो हाँ इस बार जब भी एंडिंग होगी तो आपको देखने मिलेगी एक मतलब एक खतरनाक गलत सीन वाली क्लिप। मैं इतना अटक क्यों रहा हूँ बोलने में। तो यार जो भी हो एक एंडिंग आपको मतलब एक अलग सी एंडिंग देखने मिलेगी हर मैच में। तो यार वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। और यहाँ पे हम लोग मतलब लूट ही रहे होते हैं कि एक गाड़ी आती है और गाड़ी के साथ साथ दो बंदे भी आते हैं। तो देखो तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मतलब गोला फेंक देता हूँ और उसके बाद बंदे स्पॉट तो हो जाते हैं, लेकिन भैया उन्होंने भी गोला फेंक दिया था। और उसके बाद मतलब मैं नेड़ वगैरह करता हूँ जिससे मतलब कुछ उखड़ता नहीं। और यहाँ पे मेरे पास M24 में मतलब 3x है और मेरी 3x की मतलब सेंसी 400 है। मतलब फिर भी देख रहा हूँ मैं मतलब ये सस्ते नशे अब क्या ही करूँ, मजबूरी है तो भी मैं इसी से स्नाइपिंग करता हूँ। और मतलब देखो आप मतलब मतलब स्नाइपिंग का स्कोप नहीं है तो मैं 3x लगा रहा हूँ, इससे अच्छा भैया मैं नो स्कोप चला लूँ, लेकिन भैया क्या ही बोला जाए मजबूरी है। तो वो दोनों बंदे मतलब उनकी लोकेशन स्पॉट है तो वो दोनों बंदे मतलब सामने बैठे पड़े हैं। अब मैं देखता हूँ वहाँ पे एक दूसरा बंदा नीचे सीढ़ियों पे उतरता है और मतलब किसी और पे मतलब गोलियाँ चलाता है। तो मैंने बोला यही सही मौका है, घुसो और सीधा इसकी पेटी बनाओ। तो देखो तो यहाँ पे मतलब मैं इस बंदे को जैसे ही नॉक करता हूँ, मैंने बोला दूसरे बंदे को भी मैं ही पे लूँगा, लेकिन हमारे भैया M24 का एक शॉट चिपकाते हैं और मतलब सीधा उसकी पेटी बन गई। अब देखो मेरे को पता है हुआ क्या होगा, भैया मैंने जैसे इसको मारा इसका दूसरा टीममेट का ध्यान यहाँ पे हो गया होगा, तो हमारे भाई ने मतलब ऐसे ही गलती से यहाँ पे शॉट चिपका दिया, क्योंकि भैया की स्नाइपिंग तो सस्ती है मतलब क्या ही बोलूँ। तो हाँ मतलब मेरी ही वजह से भैया की स्नाइपिंग से यहाँ पे हेडशॉट लग गया, नहीं तो भैया कद्दू का यहाँ पे हेडशॉट लगता। तो मतलब हाँ पता है कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ गलती से हेडशॉट लगा भाई का और मेरा तो झट्टे से हेडशॉट मतलब स्टार्टिंग में लगना ही शुरू हो गया था। तो भैया इसके लिए एक लाइक ठोकना जरूर। तो यार हम लोग उन लॉन्डो को ढूंढ रहे होते जो वहाँ पे पार्क के साइड से निकले थे, मतलब जिन बंदों को वो बंदा मार रहा था और उसे मैं पेलता हूँ। तो उन बंदों को ढूंढते ढूंढते भैया पता नहीं वो बंदे मतलब कहाँ पे इतनी स्पीड में भाग जाते हैं। तो उसके बाद रास्ते में मुझे एक बाइक वाला दिखता है तो हम लोग उस बाइक वाले का पीछा कर रहे होते हैं और वो बाइक वाला भी मतलब यहाँ पे हाथ से निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे भाई गाड़ी ठोकते हैं। उसके बाद मैं बग्गी वगैरह सीधा करता हूँ तो मुझे बाइक की आवाज़ आती है और मतलब वो बाइक वाला बंदा यहाँ पे मिल जाता है। और देखो अब भाई साहब क्या कर रहे हैं। तो ये बाइक वाला बंदा मतलब गाड़ी ठोक के यहाँ पे मतलब ये लौंडा यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा था ये मुझे पता भी नहीं चलेगा और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन हाँ इसकी यहाँ पे पेटी बनाई, मतलब जैसे ही भाई को नॉक किया भाई हिलने लगते हैं कि छोड़ दो, मतलब पूरा स्क्रीन हिला के रख दिया था। लेकिन यार भैया की पेटी बनाई और उसके बाद हम लोग फिर से निकलते हैं बंदों की तलाश में। तो अब देखो मैं जा रहा होता हूँ वही पार्क में जो वो आया है ना, वहीं पे जहाँ पे मतलब 3 लिखा हुआ है मतलब 3rd anniversary, तो वहाँ पे जा रहा होता हूँ। मैंने सोचा पहले यहाँ पे रास्ते में पोचिंकी है तो पोचिंकी में से मतलब देखते हुए चला जाए कि मतलब यहाँ पे भी बंदे हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं पोचिंकी ही जा रहा था लेकिन भैया इस पार्क के पास हमारे भैया को बंदे दिख जाते हैं। तो मैंने बोला क्यों ना पहले इन बंदों को ही ठिला दिया जाए, बंदे नहीं पहले ये गाड़ी दिखती है। तो गाड़ी वालों को ठिलाने के लिए मैं भी अपनी बग्गी भगाता हूँ इनके पीछे।
तो ये लौंडे यहाँ पे गाड़ी ठोक देते हैं और उसके बाद मतलब उतर ही रहते बेचारे कि भैया मैंने इन दोनों को लपेट लिया। तो हाँ, इन दोनों को लपेटने के बाद हम लोग फिर से उस पार्क के पास जाते हैं और भैया पार्क के पास दो लौंडे ऐसे मिलते हैं जिन्हें मैं मतलब हेडशॉट पे हेडशॉट, हाँ कुछ ज़्यादा हेडशॉट नहीं पहलता हूँ लेकिन यार एक दो हेडशॉट पहलता हूँ झट्टे से। और उसके बाद मतलब वहाँ पे गलत सीन मतलब जो ही होते हैं, मतलब यार बंदों को नॉक पे नॉक कर रहे हो और बंदे रिवाइव पे रिवाइव हो रहे हैं। अब देखो यार हम लोग सीधा वहाँ पे जाते हैं और आप खुद देख लो वहाँ पे मतलब सीन क्या होने वाला है। तो भैया पार्क के पास से जाने के बाद पता चलता है भैया गाड़ी वगैरह खड़ी है, तो मतलब बंदे पहुँचे हुए हैं और वो बंदे मतलब कहाँ पे बैठे हैं वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे गाड़ी चेंज करता हूँ और सीधा निकलता हूँ पार्क के पास। और देखो तो भैया ये वो दो बंदे नहीं है, ये दो बंदे तो मतलब जो दो बंदों की मैं बात कर रहा हूँ दो लौंडों की, वो अभी ज़िंदा है। ये मतलब यहाँ पे भी एक बेचारा नॉक रेंग रहा होता है और दूसरा बंदा यहाँ पे आता है तो मैं मतलब उसकी भी पेटी बना लेता हूँ। और उसके बाद देखो हम लोग यहाँ से जाने ही वाले होते हैं, मतलब थोड़ा टाइम पास करते हैं लूटते वगैरह हैं और उसके बाद मतलब हमारा निकलने का प्लान होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख लो गोले के वजह से मतलब यहाँ पे दो बंदे स्पॉट हो जाते हैं जो कि मतलब ऊपर ही बैठे हैं। तो यहाँ पे मैं पहले इस बंदे को नॉक करता हूँ, इसका नाम देख लो आप और दोनों का मतलब देखते रहना मैं इन दोनों बंदों को मतलब कितनी बार नॉक करूँगा। मतलब पहले देख लो इसको नॉक किया तो मतलब हमारे भाई के गोले से यहाँ पे बंदे स्पॉट हो जाते हैं जो कि यहाँ पे ऊपर बैठे थे। मैं तो निकलने वाला था लेकिन यहाँ पे बंदे स्पॉट हो गए, अच्छी बात है, दो किल और मिलेगी। तो यहाँ पे मतलब मैंने गोला कहाँ फेंका मुझे पता भी नहीं, मतलब ऐसे ही फेंक दिया था उठा के लेकिन मेरे गोले से कोई स्पॉट होता नहीं। तो मैं जाने ही वाला था लेकिन मतलब भैया के गोले से यहाँ पे बंदे स्पॉट हो गए। तो मतलब मैं एक बार नॉक कर चुका हूँ और नेड वगैरह करके हम लोग खिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन भैया सस्ता नेड, वो दोनों लौंडे वहीं पे बैठे रहेंगे और रिवाइव पे लेंगे। और उसके बाद मतलब देखो इन मतलब क्या ही पंगे होंगे इनके साथ, देखो। तो यहाँ पे मैं एक और बार उस बंदे के टीममेट को जिसको मैंने पहले नॉक किया था उसके टीममेट को नॉक करता हूँ। मतलब इन दोनों को एक एक बार मैं नॉक कर चुका हूँ। हाँ झट से हेडशॉट तो नहीं लग पाया लेकिन भैया दोनों की मतलब काम हो गया, बॉडी शॉट में काम नहीं हुआ है। अभी भी दोनों लौंडे मतलब वहीं पर बैठे पड़े हैं। तो मतलब हम दोनों नेड फेंक के ट्राई कर रहे थे भैया पेटी बने इनकी, लेकिन नहीं, वो दोनों बंदे ढीठ है और वहीं पर बैठे हुए हैं। तो यार इस बार लगता है झट्टे से हेडशॉट। अब इस बंदे को मैं पहले भी नॉक कर चुका था और इसके टीममेट को एक बार नॉक कर चुका था, तो यहाँ पे दूसरी बार हेडशॉट से इस सेम बंदे को मैं हेडशॉट से दूसरी बार यहाँ झट्टे से हेडशॉट पहलता हूँ और ये एक बार और नॉक। तो भैया देखो इन दोनों बंदों को इतनी बार नॉक किया है तो क्या हम लोग इनकी पेटी यहाँ पे बना पाएंगे या फिर हमारी पेटी यहीं पे बन जाएगी। उसके बाद मतलब देख रहे हो इतनी बार नॉक करने के बाद ये बंदे रिवाइव पे रिवाइव हुए जा रहे हैं। तो इस बार एक और बार दिखता है ये बंदा और फिर देखो। तो भैया इस बार मैं सीधा इसी बंदे को फिर से तीसरी बार नॉक करता हूँ और मतलब नॉक करने के बाद मेरे को लगता है कि ये बंदे मतलब नहीं ढीले, लेकिन पता चलता है नेड से हमारे भाई ने उनके टीममेट को भी ढिला दिया। तो मतलब ये दोनों लौंडे जो इतने टाइम से बैठे थे यहाँ पे मतलब दोनों ने मतलब दिमाग खराब कर दिया। तो भैया इतने धीट
दोनों कब से बैठे हुए थे, तो इन दोनों की मतलब यहाँ पे पेटी बनती है। और उसके बाद फाइनली हमें पता चलता है भैया सामने ड्रॉप हो रखा है और वहाँ पे मतलब फायरिंग भी हल्की फुल्की आती है। तो हम लोग इस बार मतलब सीधा गाड़ी लेते हैं और फिर से निकलते हैं बंदों की तलाश में। और यार वो दोनों लौंडे मतलब उन दोनों ने इतना ज़्यादा परेशान किया कि मतलब अब क्या ही बताओ। खैर छोड़ो, फाइनली हम वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद मतलब यहाँ पे बंदे होते हैं तो यहाँ पे हम लोग आते हैं सीधा। तो देखो यहाँ पे मेरी स्नाइपिंग का खौफ देख रहे हो, मतलब गोला वगैरह फेंका उन दोनों बंदों की लोकेशन मुझे पता चल चुकी है। हम लोग यहाँ पे ओपन में रुके और वो बंदे मतलब घर के अंदर है लेकिन वो बंदे मतलब बाहर निकल ही नहीं रहे, मतलब मेरी स्नाइपिंग का खौफ देख रहे हो। हाँ पता है मजाक कर रहा हूँ लेकिन यार फिर भी वो बंदे अपना थोबाड़ा एक बार भी नहीं दिखाते, जिसके बाद हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम पास करते हैं। और आगे क्या होने वाला है मतलब देखो आप। जब आगे मत देखते रहो, पीछे भी ध्यान रखना, पीछे से नहीं तो कोई आ जाएगा, पीछे भी देखते रहो। तो भैया पूरी ज़िंदगी यहाँ पे बिताने के बाद मैंने बोला वो दोनों बंदे अपनी शक्ल दिखाने नहीं वाले, तो सीधा गाड़ी उठाओ और दोनों पे रश करो। तो मैं सीधा गाड़ी उठाता हूँ और रश करता हूँ और फिर क्या होगा देखो आप। तो यहाँ पे एक बंदे को तो हमारे भैया ही नॉक कर देते हैं, मतलब भाई ने कसम खा रखी कि मुझे किल देने नहीं देंगे, मतलब यार। उसके बाद छोड़ो इन सब बातों को, उसके बाद मैं यहाँ पे एक गोला फेंकता हूँ और दोनों बंदों की लोकेशन पता चलती है। तो देखो इन दोनों बंदों को मतलब इन दोनों लौंडों को कैसे ठिलाते हैं। तो अब मैं और क्या बोलूँ, इतने टाइम से ये बंदा यहाँ पे बैठा है लेकिन इसने अपने हरामी इसने अपने टीममेट को रिवाइव ही नहीं किया, मतलब अगर ये रिवाइव कर देता तो हो सकता है इसके टीममेट की किल भी मुझे मिल जाती, लेकिन भैया ने रिवाइव नहीं किया, मतलब क्या रीज़न हो सकता है आप मुझे कमेंट में बताना। मतलब इस बंदे ने मतलब अच्छा खासा कवर में भाई, लेकिन एक बार भी इसने रिवाइव नहीं किया, एक बार क्या मतलब रिवाइव किया ही नहीं। तो शायद इस बंदे की मुझसे कुछ दुश्मनी होगी इसलिए इसने रिवाइव नहीं किया ताकि किल मुझे ना मिल जाए। अब देखो बंदे तो काफ़ी अलाइव होते हैं जब मैं इस पहाड़ पे आया था, लेकिन भैया टेकड़ी पे आने के बाद ही यहाँ पे बंदों की संख्या कम हो गई क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मुझे किल मिले। और हमारे भैया तो नशे में है, मतलब चाहते ही नहीं कि मुझे किल मिले। तो उसके बाद मतलब पहाड़ी पे बंदे होते हैं और मतलब आपस में लड़ भिड़ के ठिल ही रहे होते हैं। तो हम भी पहुँचते हैं यहाँ पे गाड़ी उठा के और यहाँ पे ग्लाइडर वगैरह दिखती है, लेकिन मैंने बोला इनको चलाने का मतलब इसको चलाने का मतलब ट्राई वगैरह किया तो भैया जो बंदे बच्चे हैं वो भी मर जाएंगे और ऐसे ही चिकन डिनर मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे देखो सामने बंदे मेरे सामने आपस में लड़ भिड़ के ठिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सस्ती स्नाइपिंग की वजह से मैं मतलब एक बंदे को भी नॉक नहीं दे पाता। उसके बाद हम लोग भी थोड़ा टाइम पास करते हैं। मैंने बोला यार अगर यहाँ पे रुक के रहे ना तो भैया एक भी किल नहीं मिलेगी, तो सीधा यहाँ पे गाड़ी उठाओ और सीधा रश कर दो। उसके बाद हम लोग गाड़ी उठाते हैं और भैया सीधा इन बंदों को मतलब पेल देते हैं गाड़ी उठा के। और उसके बाद मतलब देखो इन दोनों लौंडों को कैसे ठिलाते हैं।
तो यहाँ पे भी हमेशा की तरह एक ही चीज़ होती है, भैया मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ और दूसरे बंदे को हमारे मतलब विशाल भैया पेल देते हैं। और यहाँ पे देरी हुई नहीं थी कि तीसरा बंदा भी सामने दिख जाता है। तो देखो तो यहाँ पे हम लोग मतलब तीसरे बंदे को भी ठिला देते हैं और किल देख रहे हो मतलब भैया 8 किल से ज़्यादा तो हमारे भैया ने ही चुरा लिए। 8 किल से ज़्यादा नहीं, 8 किल ही तो हमारे भैया ने ले लिए, नहीं तो मतलब यहाँ पे 20-22 किल का गेम प्ले आराम से बन जाता। अब लेकिन अब भैया क्या ही बोलूँ मैं, हमारे विशाल भैया सुनते कहाँ है। तो हाँ यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मतलब कर दो लाइक, और अच्छी नहीं लगी तो पता है आपको सब्सक्राइब कर दो, ये मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो करो सब्सक्राइब। हाँ तो यार, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, एंडिंग देख के जाना, तो मतलब हर वीडियो के एंडिंग में मतलब थोड़ा सा गलत सीन में दिखा के जाऊंगा आपको, मतलब बिहाइंड द सीन जो होता है ना वो वाला। हाँ तो यार, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। वाह क्या सीन है। Fire spreading all over the room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Wow.